इराक में फंसे भारतीय परिजनों के लिए एक अच्छी खबर है। हमारे सहयोगी चैनल हेडलाइंस टुडे से बात करते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने दावा किया है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात के दौरान उन्हें पता चला कि मौसूल से अगवा सभी 40 भारतीय सुरक्षित हैं। हालांकि सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच इराक में भयानक गृहयुद्ध जारी है। इराक गृह युद्ध की आग में धू धू कर चल रहा है। सद्दाम हुसैन के पतन के 11 साल बाद इराक में अपने ही अपनों के खिलाफ हथियार लेकर निकल पड़े हैं। हालात कितने बदतर हैं कि इराक की राजधानी बगदाद से महज 60 किलोमीटर दूर बाकुबा शहर तक आतंक के सौदागर अपना कब्जा जमा चुके हैं। इराक में जारी जंग के बीच हजारों हिंदुस्तानियों की जान संसद में फंसी हुई है। मोसुल की कंपनी में काम करने वाले 40 भारतीयों को अगवा किया जा चुका है। उन्हें सही सलामत भारत लाने के लिए सियासी कसरत जारी है। शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने दावा किया है कि अगवा किए गए सभी भारतीय सुरक्षित हैं। चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुखबीर बादल एंड आई मेट विद द फॉरेन मिनिस्टर एंड वी डिस्कस्ड द होल इश्यू एट लेंथ। फॉर्चुनेटली व्हाइल वी वर देयर न्यूज केम दैट आवर बॉयज आर सेफ देयर, सो दैट इज अ बिग रिलीफ। नरेश गुजराल के बयान के बाद अगवा किए गए लोगों के परिजनों की जान में जान आई है। हालांकि भारत सरकार की ओर से कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। अभी तक विदेश मंत्रालय की ओर से जो बयान आया है उसके मुताबिक सभी भारतीयों को सही सलामत वापस लाने की कोशिश जारी है। We are trying to work with the International Red Crescent who have confirmed to us, but they have also indicated that at this stage they do not know the location of these 40 Indian workers who are kidnapped. टिकरित में 46 भारतीय नर्सों के फंसे होने की खबर है, लेकिन हमारे पास कोई इलाज नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का इतना शक्तिशाली देश मुंह ताक रहा है। मजबूत सरकार मौन है, जबकि दूसरे कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। That these 40 Indian workers, I can confirm to you now, have been kidnapped. These are difficult situations. We are working with the company. Also, we are trying to work with the International Red Crescent, who have confirmed to us, but they have also indicated that at this stage, they do not know the location of these 40 Indian workers who are kidnapped. सच तो ये है कि संकट के इस दौर से निपटने के लिए सरकार के पास कोई सधी सधाई योजना नहीं दिख रही। वही मौत के साए में हर पल जिंदगी सहायता के लिए अपने देश की ओर कातर निगाह से देख रही है। और हमारी सरकार अभी तक बस इतना कर पाई है कि पूर्व राजनयिक सुरेश रेड्डी को बगदाद भेज दिया गया है। We have decided that our former ambassador there, Mr. Suresh Reddy, who is currently in Delhi awaiting his next posting, will be sent back to Baghdad so that he can reinforce the embassy's abilities to in this crisis situation. विदेश मंत्रालय का कहना है कि बदतर हालात वाले इलाकों में मुश्किल से 100 भारतीय फंसे हैं, लेकिन सच ये भी है कि बसरा, नजफ, बगदाद, मोसुल और तिकरित में ही ज्यादातर भारतीय रह रहे हैं। बदकिस्मती देखिए कि बगदाद को छोड़कर बाकी शहरों पर या तो दहशतगर्दों का कब्जा है या जंग जारी है। अच्छे दिन और मजबूत नेतृत्व का दावा करके सत्ता में आए नरेंद्र मोदी का इस मोर्चे पर भी बड़ा इम्तिहान है। इराक की इस भीषण आग में 18,000 भारतीयों की जान संसद में है। उन 18,000 लोगों की हिफाजत मोदी की पहली अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दूसरे देशों ने तेजी दिखाते हुए अपने नागरिकों को इराक से बाहर निकाल लिया तो हमारी सरकार क्यों सो रही थी? आखिर हमारी सरकार हर बार इतनी देर बाद नींद से क्यों जागती है? आखिर क्यों सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन सरकार की चाल नहीं बदलती? सच तो ये है कि इराक में फंसे भारतीयों के लिए सरकार की सुस्ती जिम्मेदार है। आज तक ब्यूरो। इराक का संकट गहरा रहा है और भारत में हजारों परिवारों की चिंता बढ़ने लगी है।
पंजाब से बिहार तक और बिहार से केरल तक कई परिवार की सांसें इराक में अटकी हुई हैं। 40 लोगों के अगवा होने की खबर ने हौसला तोड़ दिया है। उम्मीद सरकार से है कि उन्हें बचाने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ करें। धमाके इराक के शहरों में होते हैं और दहशत से भर जाता है हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों का दिल। पंजाब समेत कई राज्यों से इराक गए 40 लोगों के अगवा होने की खबर आई तो रिश्तेदारों का रहा सहा हौसला भी टूट गया। अमृतसर समेत पंजाब के कई शहरों के नौजवान इराकी कंपनी तारिक नूर अलहुदा में किस्मत बनाने गए थे, लेकिन आज आतंकियों के चंगुल में जा फंसे। ऐसे में सवाल ये है कि अगवा 40 लोगों का आखिर क्या होगा, कैसे आतंकियों से बचेंगे और कब वतन लौट सकेंगे। अंबाला के बिहटा गांव के रहने वाले एक परिवार ने भी अपने बेटे को कर्ज लेकर कमाने के लिए इराक भेजा था। अमित 12वीं के बाद वेल्डर का कोर्स करके काम करने इराक चला गया। जब वहां के बिगड़ते हालात का पता चला तो बेटे को वापस आने को कह दिया। मुश्किल ये है कि अब अमित से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। 7 महीने गजी अपने भेजा था और मान ले कर्ज देगा भेजा था जैसा वेल्डिंग का कोर्स करवा के, तो अब तक तो वैसे दिक्कत उसको अब तो ठीक था, अब दिक्कत आ गई उसको। हाँ जी, जो मैंने 2 लाख कर्जा देगा भेजा था अभी तो हमारा वो भी नहीं उतरा वहाँ से। तो मान ले 3 महीने की तनख्वाह, जी 2 महीने की तनख्वाह उसने हमारे पास भेजी है तो 3 महीने की तनख्वाह चार के अभी नहीं भेजी है उसने। हाँ जी, वहीं रुकी हुई है। हाँ जी, हमने अब वापस बुला लिया अपना बच्चा, भी दिक्कत आ रही है उसको। पंजाब के होशियारपुर में भी कई परिवारों की ऐसी ही कहानी है। मनजीत कौर का बेटा अवतार सिंह 3 साल पहले रोजी रोटी कमाने इराक गया था। फोन पर बात तो हुई है, लेकिन सुकून तभी मिलेगा जब वो सही सलामत घर आ जाए। की कहना चाहते हैं सरकार नू या की सरकार वादी तो साढ़े बच्चे सही सलामत गए होते दर्शन कौर के लिए तो ये खबर मुसीबत का पहाड़ बनकर टूटी। 23 साल पहले पति की मौत के बाद किसी तरह 2 बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। पैसे कमाने के लिए छोटा बेटा मंगतराम कारपेंटर काम करने इराक चला गया और अब लड़ाई की खबर से माँ के दिल को एक पल का चैन नहीं है। गुरदासपुर का निशान सिंह मोसुल में ही काम कर रहा है। 4 दिन पहले फोन आया था कि यहाँ बहुत भारी जंग हो रही है। निशान सिंह की माँ और पत्नी का बुरा हाल है। मेरे नाल तो 4 दिन पहले गल हुई है, आंधी उधर लड़ाई बहुत चल रही है। बस कंपनियों ने सब रखे हम कंपनियों ने उन्होंने बाहर कढ़िया हुआ है, आंधे कंपनियों ने आप भज गए हैं। 1 घंटे इन्होंने ही उन्होंने मारा, उन्होंने 4 दिन पहले गल तो बाद गल नहीं आई हाली। उन्होंने किन्ने लोग से उन्होंने दस 40 लोग 40 पंजाबी। हाँ जी। बिहार के औरंगाबाद के मुस्तफा कमाल हाशमी भी उन हजारों लोगों में शामिल है जो इराक के अल जुबैर के पास फंसे पड़े हैं। करीब 2 महीने पहले ही मुस्तफा ने इराक की कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन वहां के बिगड़ते हालात का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे। आज मुस्तफा कम से कम 1000 से ज्यादा भारतीयों के साथ अल जुबैर नाम की जगह पर घिर गए हैं। कमाल हाशमी का फोन बैलेंस भी किस्मत की तरह दगा दे रहा है और इधर औरंगाबाद में उनकी पत्नी और बच्चे समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें, कहां जाएं और किससे फरियाद करें। सबसे बड़ी चीज हम चाहते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ भी करे। उस पोस्ट पे हैं वो और इंडिया गवर्नमेंट से मेरी मांग है कि मेरे जितने भी हिंदुस्तानी भाई लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको वहाँ यहाँ बुला ले। फोन लगा रहे तो कुछ संपर्क नहीं हो रहा, 7 दिन से बात नहीं हुई है कोई। कब बात हुई थी? 11 तारीख को। पापा ने क्या कहा था? पापा ने बोला था यहाँ बहुत डेंजरस में हम लोग। केरल, बिहार, यूपी, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हजारों लोग इराक में इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के उलट इराक के मोसूल, तिकरित, बसरा, फालुजा और तलफर जैसे शहरों में फंसे हिंदुस्तानियों की तादाद कई गुना ज्यादा है।
केरल की 40 से ज्यादा नर्स तिकरित के अस्पताल में जिंदगी के सबसे बुरे दौर का सामना कर रही हैं। कई नर्सों ने आतंकियों के कड़े पहरे के बीच जोखिम लेकर नौकरी करते रहने का इरादा किया है। सरकार और रेड क्रॉस इन नर्सों के संपर्क में है, लेकिन सुरक्षा की गारंटी देने को कोई तैयार नहीं। और इधर उनके माँ बाप का दहशत से बुरा हाल है। अस्पताल, कंस्ट्रक्शन साइट और ऑयल रिफाइनरी में काम कर रहे हिंदुस्तानियों के लिए सरकार ने हेल्पलाइन तो जारी कर दिया, लेकिन हेल्प पहुंचेगी कैसे? बगैर किसी ठोस योजना के आखिर बम, बंदूक और बारूद के बीच जिंदगी कैसे बचेगी? सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो।